हमेशा आपके जाने से कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात जो मतनाज़ा बात होती है, ऐसा क्यों? आई थिंक मैं बातें तो सच्ची करती नॉर्मल करती हूँ, लोग उन बातों को नॉर्मली ढकते हैं, तो आई थिंक सो वो जो बात सामने आती है हजम करना मुश्किल होता है। मदीना, आपकी शोहरत की जो वजह थी पॉपुलर होने की, हाँ। वो एक टेलीफोन कॉल थी आपके एक शो में, हाँ। काफ़ी साल पहले, तो क्या देखती हैं आपके, वही एक वजह थी या कोई और वजूहत भी थी? आई थिंक वजह बनती हैं, चीज़ें आती है आपकी, इम्तिहान आते हैं, सो शायद इसी तरह थोड़ा थोड़ा कर कर फेमस हुई। फर्स्ट योगा था, फिर वो टेलीफोन इतनी वायरल हो गई, वो मेरा एक डायलॉग और हाँ, उस वक्त मुझे गिने चुने उर्दू के लफ्ज़ ही पता आते हैं। सो आई थिंक शोहरत जब मिलती है इंसान को पता भी नहीं होता मिल जाती है, और जब नहीं मिलती तो आप अपनी एरी चोटी का जोर लगा लो, आपको नहीं मिलेगी। वो जो लेट नाइट शो की मतीरा थी और हाँ, आज तक आप में कुछ बदला नहीं है? आई थिंक बहुत बदला है, वो बड़ी रिबेलियस सी बंदी थी, वो बहुत कुछ कर सकती थी, लाइक टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा, आई वॉज अ टीन एट दैट टाइम, हॉर्मोन्स पागल थे एंड बहुत सारी चीज़ें सवाल जवाब होते दिमाग में। अभी तो ठहरी भी खातून हूँ, अब जो भी करती हूँ पहले सोचती हूँ फिर करती हूँ, एंड आई एम वेरी, मुझे नहीं पता एंड मुझे बहुत ही अजीब लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ अगर कोई मुझे बोलता है यू लुक क्यूट, हर बंदा मुझे एक सेक्सुअल नज़र से देखता है, इट्स नॉट अ वेरी ईजी थिंग। हमारे यहाँ कुछ मुश्किल होती हैं, एक कंदील बलोच का वाकया हो चुका है यहाँ पे इसी तरह से, तो आपको कभी डर महसूस हुआ? मुझे डर इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने किसी को पैसा नहीं खाया, मैं गुंडा बिल्कुल नहीं बनती, मैं बड़ी, आई एम अ मलंग, आई एम अ हार्मलेस क्रीचर। आपने कभी एक तितली को देखा है? आई एम जस्ट लाइक दैट, अपने मगन में, अपनी दुनिया, मेरी दुनिया अलग है, मेरी प्रायोरिटीज अलग है, एंड मैं ना कॉन्ट्रोवर्सीज में जाती हूँ, ना मैं आग से खेलना चाहती हूँ, ना मैं इन लोगों को प्रोवोक करती हूँ, पोक करती हूँ। तो देखो, ज़िंदगी में एक चीज़ सीखिए, तो जिन जगहों पर आप अपना हाथ डालोगे, प्रोवोक करोगे, पोक करोगे, वही नतीजे आएंगे। आई डोंट बिलीव दैट, आई एम अ गार्डन पर्सन, गार्डन पर्सनैलिटी, फिल्ड विथ लव, हैप्पी एंड दैट्स इट। आपको कभी किसी किस्म की कोई धमकी, कोई थ्रेट आया आपको? नो, अल्लाह का शुक्र, एंड आई वन थिंग आई लाइक टू से, आपको धमकियाँ यूँ नहीं आती कि आपने बड़ी और छोटे कपड़े पहन लिए धमकी आ गई। नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान जो लोगों ने बनाया है। अगर आपने किसी का कुछ नाजायज फ़ायदा उठाया, किसी को लारे लप्पे दिए, तब जब ये सारी चीज़ें आप करते हो ना, तब धमकियाँ आती है। धमकियाँ यूँ बैठे बिठाए गोद में नहीं आती बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग, नो, पाकिस्तानी पीपल आर लिटिल बिट एक्सट्रीमिस्ट, बट कम ऑन, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बड़े अच्छे एंड एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एंड दे इवन अप्रिशिएट मी, तो धमकियाँ यूँ ही नहीं गिरती। आई डू नॉट डू दीज थिंग्स, आई एम वेरी फार अवे। अच्छा मदीना, आपके घर वाले, क्या उनको कभी कोई इतराज़ हुआ आपके लाइफस्टाइल से? मेरे घर वाले, मेरी मामा, मेरी बहन, उनको कभी एतराज़ नहीं हुआ, और जिस तरीके से हम पले बड़े हैं, हमारे लिए ये चंद चीज़ें नॉर्मल हैं। आई टोल्ड यू वो थोड़ा बहुत एक कल्चर डिफरेंस है, बट अब मैं पाकिस्तान में ऑफकोर्स बड़ी हो रही हूँ एंड आई एम सीइंग इट एंड आई एम अडेप्टिंग इट, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि एक इंसान ने शायद सिर्फ हाथ देखे, एंकल्स देखे, आँखें देखी है, और लोग फिर उस इंसान को आप ले जाओ और टांगे दिखा दो, बाजुएँ दिखा दो, वो तो पागल ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है। सो इट इज़ जस्ट हाउ पीपल हैव बीन ब्रॉट अप, सो आई एम नॉट गोइंग टू से आई एम एलियन एंड आई एम नॉट गोइंग टू से देयर एलियन, हाँ, आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट, एंड यस, जिस तरह पाकिस्तान उस दौर में जा रहा है जहाँ हम मोदी कॉल, हमारी इंडस्ट्री बदली है, मीडिया बदला है, तो थोड़ा थोड़ा करके वी विल ऑल गेट एजुकेटेड। आप किसी थॉट पे काम करिए, किसी फिलॉसफी पे काम करिए, कोई आपके काम करने का कोई नज़रिया है? नहीं, मेरे काम करने का कोई नज़रिया नहीं होता, आई लिव इन द मोमेंट, जो इस मोमेंट में होगा, जो मैं अभी बोलूँगी और जो मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकलेंगे, वही चीज़ें मुझे आगे फेस करनी पड़ेंगी। सो आई जस्ट बिलीव मेक द प्रेजेंट वेरी नाइस, जो काम मैं अभी करूँगी वही आगे मिलेगा। सो जस्ट आई डू नॉट बिलीव दिस मोटोज और फिलॉसफी किताबों में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। आपको कभी लगा कि पाकिस्तान का जो माहौल है ये आपके लाइफ स्टाइल को सूट नहीं करता, तो मैं यार कहीं बाहर चलते हैं? जब हम बात करते हैं कि यार चलो हम बाहर चलते हैं, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान,
मैंने इज्जत बनाई, मैं हर शो पे बोलती हूँ, शायद मैंने इतना नाम, इतनी शोहरत और इतनी चीज़ें जिम्बाब्वे में नहीं बना सकती है। एंड अगर मैं व्हाट डू यू कॉल, हम जाते हैं, बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जाते हैं हमारे जो नेबरिंग मुल्क में, उनको इतनी इज्जत, इतना चीज़ें नहीं मिलती वहाँ जितना हम यहाँ करते हैं उन आर्टिस्ट की। जिस तरह बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, फवाद खान, माहिरा, अली ज़फ़र, दे ऑल वर्क देयर, लेकिन पाकिस्तान अडोर्स देम। जो आपका होम होता है ना, वो ही आपको सब कुछ दे सकता है। एंड आई वुड ऑलवेज से दैट पाकिस्तान ने मुझे बनाया है। ऑफकोर्स आई एम स्कूल ड्रॉप आउट, आई एम वेरी डम्ब, तो मैं डॉक्टर तो बनने से रही, पायलट तो अस्तग़फ़िरल्लाह, बट एनीवेज एटलीस्ट कुछ तो बन गई हूँ, सो व्हाई शुड आई ट्रैवल। कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो अक्सर लगता है कि जैसे यू आर, आप बगावत कर रही हैं माशरे से। आई डोंट, मैं बगावत तो नहीं करती, व्हाट इज़ अ बगावत। आई थिंक बहुत हमारी फिल्मों में बहुत सारे लोग शर्ट्स पहनते हैं, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस है रेड कार्पेट में, वो लोग यूं गाउन्स पहनी भी होती है। दी ओनली इश्यू इज दैट आई एम अ कर्वी वुमन, दैट अगर मैं यहाँ भी एक नॉर्मल सा ड्रेस पहनती हूँ तो वो भी बहुत हैवी लगता है, शर्ट्स पहनती हूँ वो भी बहुत हैवी लगता है। तो व्हाट इज बगावत इन दैट, कपड़ों से कोई बगावत नहीं करता, हरकतों से बगावत होती है। पाकिस्तान के लिए जैसे आपने अभी कपड़ों की बात की, आपको लगता है यहाँ का कोई नेशनल ड्रेस होना चाहिए, कोई ड्रेस कोड होना चाहिए? लिसन, आई थिंक पाकिस्तान डज हैव अ ड्रेस कोड, राइट? सलवार कमीज, दैट्स द ड्रेस कोड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग इट। लेकिन हमें चीज़ें, देखो हमें चीज़ें लोगों के सर पर डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब जो कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती होती है ना, उसमें बगावत पैदा होता है। सो आई थिंक वी शुड लेट पीपल लिव। एंड ये क्या बात होती है कि आप पूरी तरह ढके हुए हो लेकिन यू आर अ क्रिमिनल विद इन एंड यू आर अ नंबर वन फ्रॉड, तो आप बिल्कुल सही। नो, समटाइम्स यू नो, आप खुले ढुले हो जैसे भी हो, बट यू आर अ नाइस ह्यूमन, दैट्स व्हाट मैटर्स। आपके एक्शन सोसाइटी बनाते हैं, आपके कपड़े नहीं। तो आप खुद को किस कदर मजहबी करार देंगी? व्हेन आई कम टू माय स्पिरिचुअल जोन, आई थिंक दैट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर, क्योंकि मैंने कभी भी डोनेशन लोगों के दिखाने के लिए नहीं दी। एंड मैं कभी भी लाइक अपने जो प्रेयर्स और अपनी स्पिरिचुअलिटी दुनिया को एक बेहतर, बहुत सारे लोग उनको लगता है कि जितना हम दिखाएंगे उतना दुनिया बोलेगी वाह वाह वाह। नो, आई थिंक सो, खुदा से अगर आपको दुआ करनी है अकेले में करो, दैट्स द बेस्ट, और उसके झंडे नहीं गाड़ो। एंड एवरी वन शुड डू दैट, स्पिरिचुअलनेस इज वेरी पर्सनल, इट्स वेरी पर्सनल। अच्छा मदीना, आपके ऊपर एक बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है कि बहुत से पाकिस्तानी गालियाँ तो नहीं देते, बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, तकबीर मौक़ नहीं रखते, लेकिन आपके बहुत सारे तौर तरीके ऐसे हैं जिससे उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, जैसे उनको लगता है कि सोशल नॉर्म्स हर्ट हो रहे हैं। मुझे ये बताओ, एक एक बंदा जो ये देख रहा है, क्या वो गाली नहीं देता? वो गाली देता है, दैट्स बीइंग नॉर्मल। अब लोग, आई डोंट नो, यहाँ लोगों को क्या मिलता है अपने आप को पोर्ट्रे करके कि वो दूध के धुले हुए हैं। नो वन इज़ दूध के धुला हुआ, वी ऑल आर सिनर्स एंड वी शुड स्टॉप एक्टिंग लाइक सेंट्स। क्योंकि हम लोगों को, जो लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बोलूँगी, क्या आप लोग आईने में देख कर, खुद अपने आप को देख कर बोल सकते हो कि तुम लोग परफेक्ट हो? अगर आपके पास इतना तप्पड़ नहीं है ना, तो मुझे क्या, किसी को भी जज ना करो। मैं लोगों को जज करती हूँ, नो, कोई मुझे गाली भी बोल कर चला जाता है, मैं बोलता हूँ तुम जानो, तुम्हारी चीज़ें जाने। इसकी गाली मेरे मुंह से नहीं आएगी, लेकिन किसी के मुंह से ज़रूर उसकी निकलेगी। मैं जब किसी को प्यार देती हूँ, अगर वो इंसान मुझे प्यार वापस नहीं देता, मुझे कहीं और से मिल जाता है। इसी तरह चुकाओ खारमा। ये पाकिस्तान में खवातीन के हकूक और औरत मार्च, इनके बारे में आपकी क्या राय है? आई डोंट नो अबाउट दी औरत मार्च, और काफ़ी औरतें जा रही हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम हैप्पी, ओके। लेकिन मुझे चंद चीज़ें जो औरत मार्च पर लिखी भी होती है, वो जो बोर्ड्स होते हैं, वो बहुत ही, देखो, अ वुमन, फेमिनिज्म इज़ टू बी सेलिब्रेटेड, इट्स टू बी, यू नो, इट शुड बी ग्लैमरस, इट शुड बी प्रिटी, इट शुड बी नाइस, इट शुड नॉट बी हर्टफुल, इट शुड नॉट बी पिंचिंग, इट शुड नॉट बी फिल्ड विद पेन। देखो, औरत और मर्द, मैं हमेशा बोलती हूँ, वी कम्प्लीट इच अदर, ठीक है? वी शुड नॉट बी लाइक हम तुमसे सुपीरियर है और तुम हमसे सुपीरियर, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। औरत मार्च इज़ गुड, बट आई थिंक जिस तरह वो जो बोर्ड्स पर चंद चीज़ें जो लिख देते हैं,
वो बहुत ज़्यादा ओवर द एज होती है, स्पेशली व्हेन दे राइटिंग अबाउट रेप एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स जस्ट इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। चार साल पहले हमने आपका आखिरी आइटम नंबर देखा था, हाँ, उसके बाद से ना कोई आइटम नंबर देखा, ना पता चला कोई आपको किसी फिल्म में देखा, कहाँ गायब हैं आप? हाँ, वो चार साल पहले बहुत, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, कोई भी मुझे बेवकूफ़ बना सकता था अपनी मिठड़ी चुपी बातों से। नाउ आई बिकम वेरी प्रैक्टिकल, आई एम वेरी, इफ़ यू आर गोइंग टू, अगर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है, आई एक्चुअली पुट माई टर्म्स एंड इफ देयर नॉट ऑन माई टर्म्स आई सिंपली वॉक अवे। थोड़ा काम करो, बेहतर काम करो। यार काफ़ी लोगों ने मुझे पिछले काम में वादे बहुत बड़े बड़े किए थे एंड इन द एंड they don't even do the payment time पर, वादे तो दूर की बात है। so I believe in you know working, जब मुझे शोहरत मिलने की होगी तो अल्लाह मियाँ कोई ना कोई जरिया बना देगा। मुझे काम ढूंढना और लोगों की लॉबियों में घुसना और लोगों से काम की मिन्नतें करने की कोई वो नहीं, क्योंकि एक ज़माने में मैंने ये किया था जब मेरे पास कोई काम नहीं था एंड तब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, they blocked me, they acted all woo-ha-hi and now because I'm financially stable and I'm perfect, और जब आपका एक अच्छा वक्त आता है ना तो 100 लोग आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं उस अच्छे वक्त का हिस्सा बनने के लिए, बुरे वक्त में तो कोई रहता ही नहीं है, आपको साया छूट जाता है तो लोग कैसे रहेंगे। कोई प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में? देयर इज नो पाइपलाइन नो प्रोजेक्ट, आई एम लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, मगर काम जाती हूँ घर आती हूँ, कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग बंद हुई हुई है, देयर इज आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, बट या अल्लाह का शुक्र एंड आई एम रियली हैप्पी दैट सिंपल लाइफ इज़ अ गुड लाइफ।